कप्तान का खिलाड़ी, कभी नाराज कभी राजी। एमएनए अहमद हुसैन देहड़ का पहले वजीर आजम का साथ देने का ऐलान, बाद में नाराजगी का इजहार कर दिया। पैसे लेने का इल्जाम लगाने वाले हित के इज्जत का केस करने का इंदिया, मुतालबात मानने के लिए अदम एतमाद के दिन तक की मोहलत दे दी। मैं इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ फिर कहता हूं, मैं पीटीआई में खड़ा हूं, मेरे गरीब के सुख के मुतालबात पूरे करें, मैं पार्टी के साथ हूं, और अगर नहीं करेंगे तो आखिरी वक्त पे मैं अपना फैसला करूंगा। मुल्तान में सियासी सरगर्मियों में तेजी, मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च के लिए कमर कस ली। लीगी रहनुमाओं की कायापुर में अवामी राबता मुहिम, कारकुनान को इस्लामाबाद ले जाने के लिए मनपसंद मशरू सरदाई से तवाजे की जाने लगी। सदर यूथ विंग उस्मान खान बाबर ने कहा, इमरान खान को घर भेज कर ही वापस आएंगे। नवाज शरीफ को लाना है, नियाजी को भगाना है। अदम एतमाद की तहरीक जरूर कामयाब होगी। रहीम यार खान में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का मशावरती इजलास, जिलाई सदर नसरीन रियाज ने इंतजामात का जायजा लिया। दूसरी जानिब साबिक एमएनए मियां इम्तियाज अहमद का रहीम यार खान से बड़ा काफिला इस्लामाबाद ले जाने का दावा। अट्ठाईस तारीख को सुबह इंशाल्लाह हमने यहां से निकलना है और 28 तारीख को शाम को इस्लामाबाद में जो पीडीएम का जलसा हो रहा है उसमें हमने शिरकत करनी है। ये आपको पता है कि ये महंगाई मुकाओ मार्च है और जिस तरह इस इमरान खान की हुकूमत ने इस मुल्क को महंगा मुल्क बनाया है उसके खिलाफ ये मार्च है। इमरान खान को हटाया गया तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, इंटरनेशनल और नेशनल माफिया को पाकिस्तान का बढ़ता हुआ वकार हजम नहीं हो रहा। एमपीए आसिफ मजीद की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। रहीम यार खान में पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन, जलसे में शिरकत के लिए रवानगी के इंतजाम का जायजा लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल में गर्मा गर्मी बरकरार। साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी के अपोजिशन पर वार, बोले कप्तान के पास इमाम की कुव्वत का ट्रंप कार्ड है। तहरीक अदम एतमाद के लिए जमीन फरोशों की मंडी नाकाम होगी। पीटीआई रहनुमा सुमैरा मलिक ने कहा, अवाम 27 मार्च को मिलियन सुनामी का समुंदर देखेंगे। तहरीक इंसाफ का मुल्तान में पावर शो, खिलाड़ी वजीर आजम का साथ देने के लिए पुरजोश। इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए नवाज शहर चौक पर पिंडाल सजाया। तर्जुमान वजीर आला पंजाब नदीम कुरैशी ने कहा, आज मुल्तान ने अपना फैसला सुना दिया। साबिक जिला सदर पीटीआई जावेद खालिद वड़ाइस बोले, इमरान खान एक बार फिर सुरखरू होगा और जीत अवाम की होगी। लैया करोड़ में हेड तादार पर तहरीक इंसाफ का जलसा, खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। एमएनए अब्दुल मजीद नियाजी ने थल केनाल में इजाफी पानी के काम का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी इरीगेशन अशरफ रिंद, एमपीए लाला ताहिर रंधावा, डेप्टी कमिश्नर शहबाज हुसैन की शिरकत। जलसे में आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। एमएनए अब्दुल मजीद नियाजी कहते हैं, इमरान खान आलम इस्लाम के लीडर हैं, 27 मार्च को इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर होगा। ऐवान वजीर आला से रिकॉर्ड गायब, 15 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन। पेपरा रूल्स की धज्जियां बखेर दी गई, अहम फाइलों में वजीर आला के आबाई शहर का रिकॉर्ड भी शामिल। तोमसा शरीफ में मुहर्रम रूट्स, पोस्ट फेस्टिवल और वाटर सप्लाई स्कीमों के नाम पर फंड्स में हेराफेरी की गई। रोही ठिकाने लगाए गए, सरकारी रिकॉर्ड की असल वजह ढूंढ लाया। ऐवान वजीर आला में दर्जनों इंक्वायरी रिपोर्ट्स को दबाए जाने का इंकशाफ। लैया में सस्ते सहूलत बाजार, बराए नाम महंगाई से पिसने लगे आवाम। चिकन समेत तमाम स्टॉल्स खाली, बासी और गली सड़ी सब्जियों ने इंतजामिया की अदम तवज्जही का पर्दा चाक कर दिया। शहरी फट पड़े, दूसरी जानिब अमले ने भी दिल की भड़ास निकाल दी। कहा, 3 माह से पेंशन की रकम नहीं मिली, दुकानदार भी स्टॉल खाली होने पर शिकवा करना। तनख्वाह
तनख्वाह से तो मिल रही है सर, वो तो नहीं, हम प्राइवेट है सर, पेंशन हमारी है वो, यानी कि कुछ वजूहत की वजह से बंद है हमारी, रिकवरी वगैरह हमारी। कितने माह की पेंशन मिली आपको? वो तकरीबन अब 2-3 माह है जी। अट्टा डेली था तकरीबन 10-15-20-25 इतने तक वीक में, भी ज्यादा नहीं बिकता, कोई गाह की वजह लगता नहीं, भी गाह काम दवाते। पंजाब फूड अथॉरिटी का लोधरा बहावलपुर हाईवे पर ग्रैंड ऑपरेशन, 13 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, नाकिस खुराक और गंदगी पर 3,40,000 के जुर्माने, बासी सब्जियां और हशरात ज़दा मसाला जात तल्ब, रहीम यार खान में भी फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 915 साशे ममनुआ गुटखा तल्ब कर दिया। डेरा गाजी खान हुकूमत पंजाब का फ्लोर मिल्स के गंदम कोटा में कटौती का फैसला, डेरा गाजी खान डिवीजन की 9500 बोरियों को कम करके 7,350 बोरियां रोजाना कर दिया गया, गंदम कोटे की कटौती पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शदीद रद्द अमल, रमजान बाजारों के लिए आटे की फराहमी ना देने के लिए लाए अमल तय कर लिया। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन खलील रहमान लगारी का कहना है रमजान बाजारों में आटा फराहम नहीं किया जाएगा। जनूबी पंजाब का किसान गंदम की मुनासिब कीमत ना मिलने पर परेशान, मुल्तान में स्मॉल फार्मर एसोसिएशन ने गंदम की 2200 फीमन कीमत मुस्तरद कर दी, काश्तकारों ने गंदम की फीमन कीमत 2500 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में पीर जहानिया ताखानगढ़ रोड टूट फूट का शिकार, शहरियों के लिए सफर करना हो गया दुश्वार, जा बजा पड़े ग्रहों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हादसात मामूल बन गए, शहरियों का खानगढ़ रोड अस्तर नो तामीर का मुतालबा। और उर्स शरीफ में 700 साल तारीखी मेले 22वें वाला की धूम, 4 रोजा रंगारंग तकरीबात का आगाज, तफरी के लिए बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद मेले में उमड़ आई, झूले सर्कस रेलगाड़ी देखकर बच्चों की खुशी दीदनी, शहरी 3 साल बाद मेला लगने पर खुश।